तो तीन लोग तीन में छः हो जाएंगे। अच्छा, तो जरा इसी को जरूरी है काटो जाना काटो। ग्राम मरौली मकान इधर देखो सामने को। किस समस्या को ले गया है? समस्या हमारे खेत में जबरदस्ती रास्ता बनाए दे रहे हैं राजू दुबे और नन्नू सिंह। कौन लोग हैं? दबंग लोग ठेकेदार हैं, दबंग लोग हैं। किस बात को लेकर बना रहे हैं रास्ता? जबरदस्ती गुंडई टीम बना रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं हमारा, शामिल खाता है सात आठ लोगों के नाम, कोई बंटवारा नहीं उस खेत का, इसे पड़ा चढ़ने को पड़ा था तो जबरदस्ती बना रहे हैं। एक हमारा लड़का है तो उनकी तरफ हो गया तो जबरदस्ती बनवाए डाल रहा। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी थी? हमकी इसकी शिकायत हमने SDM DM साहब को दी थी, एप्लीकेशन एक सुनाई नहीं हुई। एक दिन जांच के लिए गए, हमको फोन किया गया, हमने कहा बाहर हैं हम, आज है नहीं, कहा आप कल 11 बजे। आज आप लोगों ने शिकायत करी यहाँ पर तो क्या हुआ? नहीं अभी हमारी शिकायत नहीं गई है। किसके पास आए, किसके पास शिकायत करने आए? जिलाधिकारी महोदय। अच्छा, रास्ता किस लिए बना रहे? क्यों? मोरम खदान के लिए। मोरम खदान के लिए खदान वाले हैं वे लोग? जी खदान वाले हैं। हमारे ग्राम मरौली जिला बांदा थाना मकान जो है पट्टा धारक है, लोग हमारे पट्टे में से फोकस के बोलो पट्टे में से जबरदस्ती रास्ता बना रहे हैं। दमन लोग गांव का नरेंद्र यादव थाना मुन्नीलाल यादव और मन्नू सिंह ठेकेदार है और राजू है, कई लोग गांव के दमंग लोग हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हम लोग शिकायत करने आए हैं, दो बार जो है आए हैं लेकिन कोई कार्रवाई कोई सुनाई नहीं हुई। इसमें हमको न्याय चाहिए, हमारे खेत का सपना चाहिए, इसमें हमको हमारा जो है हमारी फसल की अतिक्र हुई हुई थी, बोलो इसमें हमको न्याय चाहिए हमारा खेत। किस तरीके की धमकी आपको दे रहे हैं? जो है धमकी दे रहे थे, बोले यहाँ तुम्हारा पट्टा नहीं है, ज़्यादा कहीं शिकायत करोगे तो उन लोगों को जान से मार। कौन कह रहा है ये? नरेंद्र सिंह कह रहा है, नरेंद्र यादव। रास्ता किस लिए बन रही? रास्ता मोरम खदान के लिए, वो लोग दमन लोग हैं।